शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ऑटो ये जरूरी नहीं होता कि हर जुर्म करने वाला एक मुझे लग रहा है आज मिलना थोड़ा मुश्किल है, तो एक काम करते हैं, हम कल प्लान करते हैं। हाँ अच्छा ठीक है चलेगा, बट शिल्पा फोन रख। अच्छा मैं बाद में बात करती हूँ, ठीक है बाय बाय बाय। पूरी रात फोन टिंग टिंग करता है तुम्हारा। रात भर तो राहुल का भी फोन टिंग 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 करता रहता है, आप उसे कुछ नहीं कहती? मैं पहले अपना काम करता हूँ उसके बाद ये सब करता हूँ, पर अभी तेरी बात हो रही है, टॉपिक चेंज मत कर। चल चुपचाप अपना काम कर। तू चुप कर, परेशान हो गई तेरी हरकतों से। हाँ और एक दिन तेरी इन्हीं हरकतों की वजह से हम सब प्रॉब्लम में आ जाने वाले हैं। तू चुपचाप नाश्ता कर। ऑटो भैया मुरन चलोगे? ब्यूटीफुल। शिल्पा के मोबाइल का स्विच ऑफ क्यों बता रहा है? उसकी फ्रेंड प्रीति है ना, उसको फोन लगाइए। हाँ बेटा, मैं शिल्पा का पापा बोल रहा हूँ। शिल्पा अभी तक घर नहीं लौटी, तुम्हें कुछ आइडिया है वो कहाँ हो सकती है? नहीं अंकल, एक्चुअली मेरी सुबह बात हुई थी मैसेज पर उसने कुछ बताया नहीं कि वो कहाँ जा रही है। फ्रेंड्स को फोन करती हूँ, शायद उन्हें कुछ पता हो। थैंक यू बेटा। बहुत डर लग रहा है मुझे, अब हमें पुलिस कंप्लेंट कर देनी चाहिए। पता नहीं हमारी बच्ची कहाँ होगी, किस हाल में होगी। बहुत जी घबरा रहा है मेरा। हेलो, आपकी बेटी का नाम शिल्पा है? हाँ हाँ, मैं शिल्पा का पापा बोल रहा हूँ। मुलुंड पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ, हमें आपकी बेटी की लाश मिली है। क्या हुआ? आप बोलते क्यों नहीं है? क्या हुआ है आपको? किसका फोन था? क्या बोला फोन पे? शिल्पा। क्या? हेलो भाई, तुझे पता है शिल्पा की डेथ हो गई? क्या
पुलिस का मानना है कि ये एक्सीडेंटल डेथ है, लेकिन मेरा दिल कहता है कि ये एक्सीडेंट नहीं है। देखो बेटा, अगर तुम कुछ जानती हो जो हमें नहीं पता, प्लीज बता दो हमें। वो अंकल शिल्पा का एक बॉयफ्रेंड है रुपेश, वो बहुत डोमिनेटिंग है। अभी 2 दिन पहले उन दोनों का झगड़ा हुआ था। ये फ्रेंडशिप का लेक्चर मुझे मत दे, तेरे बाहर की दुनिया के सामने मैं भी दोस्त हूँ ना तेरा। तू भी मुझे लेक्चर मत दे, और अगर तुझे मेरे फ्रेंड से इतनी प्रॉब्लम है ना, तो तू अपनी फ्रेंड लिस्ट पहले खाली करना। हिपोक्रेट, तेरे से कमी हूँ, तेरी तरह नए दोस्त बनाकर पुरानों को होल्ड पे नहीं रखता मैं कुछ भी। और अगर तुझे इतनी प्रॉब्लम है ना मेरे फ्रेंड से, तो खुद को इम्प्रूव करना और मेरे से इस तरीके से बात मत किया कर। शट अप। तुम मुझे उसका नंबर दो। 99। तुम शिल्पा को कब से जानते हो? ऑलमोस्ट 8 मंथ से। तो उसके बारे में तुम जो कुछ भी जानते हो बताओ हमें। वो बाहर ज्यादा खुश रहती थी, वो अपनी जिंदगी जीना चाहती थी। वो अक्सर कहा करती थी, घर से बाहर ना मैं खुले में सांस ले पाती हूँ, घर में ना मेरा दम घुटता है। अच्छा, आ जाओ। तुम्हें पता है मेरी माँ और मेरा भाई दोनों इतने अनोइंग है ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ऐसा लगता है कि कभी घर ही नहीं जाना पड़े। क्यों जाती हो? मम्मी काट दिया। शिल्पा नहीं है तो कुछ भी कहानियां बना रहा है। नहीं आंटी, वो ही कहा करती थी, वो घर से बाहर ज्यादा एंजॉय करती थी। पता है मुझे, सब कुछ पता है। उसके एक्सीडेंट से 2 दिन पहले तुमने उसे मारा था कि नहीं? बता, मारा था कि नहीं? वो एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी बस। तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरी बहन? हाथ उठा क्या यार, हिम्मत कैसी तेरी? राहुल छोड़ो, राहुल छोड़। अरे आप लोग इतना सीरियस क्यों ले रहे हैं उसको? वो एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, मैंने माफी मांग ली थी उससे। आई एम सॉरी। अच्छा मैं वादा करता हूँ, आज के बाद तुम्हारे फ्रेंड को लेकर कभी डाउट नहीं करूंगा। एंड आई मीन इट। अरे यार इतना गुस्सा क्या, सॉरी कह रहा हूँ ना। अच्छा चलो, तुम मुझे मारना चाहते हो, तुम जाओ, मुझे गोली भी मार सकती हो, बस ना थोड़ा निशाना ठीक रखना। तुम्हें क्या लगता है कि तुम बहुत फनी हो? अच्छा अब इस पर आर्ग्यूमेंट करनी है? आर्ग्यूमेंट हमेशा तुम करते हो, मैं नहीं करती। मैं मानता हूँ, सॉरी भी मैं ही कहता हूँ ना। आई एम सॉरी। मी टू। And you know what? Even I was rude to you. So, I'm sorry. तुम उस दिन शिल्पा से मिले थे? नहीं, मैंने कहा था उससे मिलने के लिए, पर उसने कहा कि वो कहीं बिजी है। लेकिन वो कहाँ गई है, किससे मिल रही है, उसने ऐसा कुछ नहीं बताया। अब ज्यादा पूछ के मैं उसे इरिटेट नहीं करना चाहता था। ठीक है, जाओ तुम। चल। क्या हुआ रुपेश? कुछ नहीं यार, सब साला मुझ पे शक कर रहे हैं। वो सारी इन्फॉर्मेशन उस प्रीति ने दिया होगा उन्हें।
ऑब्वियसली शिल्पा के साथ वही तो थी वहां। मैं उससे बात करूं एक बार? नहीं नहीं अभी तो बात मत करियो, वरना मुझ पे शक डबल हो जाएगा। चल चल चलते हैं। और क्या अरे यार और क्या पासवर्ड हो सकता है? डेट ऑफ बर्थ? हाँ पर्सनल इंफॉर्मेशन डेट ऑफ बर्थ सब कुछ तो डाल के देख लिया, और क्या हो सकता है? हाँ नेचर लवर। Yes. किसी शख्स के परमिशन और मर्जी के बिना। नमस्ते अंकल। नमस्ते अंकल। रूपेश घर में होगा क्या? नहीं बेटा वो पुणे गया। कौन चाहिए? सुजीत से मिलना था जी। मैं सुजीत का दोस्त हूँ। वो घर में तो है ना? तुम सुजीत के दोस्त हो? जी। तुम झूठ बोल रहे हो क्योंकि मेरे बेटे को मरे हुए 2 साल हो गए हैं। क्या अच्छा अंकल आप शिल्पा नाम की किसी लड़की को जानते हो? 2 साल पहले शिल्पा की फैमिली यहीं पुणे में रहती थी। शिल्पा और सुजीत अच्छे दोस्त थे और सुजीत उसे बहुत प्यार करता था। आप हमेशा चाहते थे ना कि आपकी एक अच्छी से बहू आए। हाँ बेटा मैं तो चाहता हूँ तेरी जल्दी से जल्दी शादी हो जाए। तो पापा आपकी टेंशन बिल्कुल खत्म हो चुकी है क्योंकि मैंने आपके लिए एक अच्छी से बहू ढूंढ ली है। अरे वाह कौन है वो नसीब वाली लड़की? शिल्पा। अरे वाह बेटा वो तो बहुत ही अच्छी लड़की है, बहुत ही संस्कारी लड़की है। वेरी गुड बेटा, आई एम प्राउड ऑफ यू। गॉड ब्लेस यू बेटा, गॉड ब्लेस। लेकिन शिल्पा के घर वालों को दोनों का मिलना पसंद नहीं था और अचानक एक दिन वो लोग पुणे से मुंबई शिफ्ट हो गए। दोनों में बातचीत कम हो गई और उसकी वजह से सुजीत थोड़ा उदास रहने लगा, गुमसुम रहने लगा। उसने शिल्पा को बहुत बार कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की पर शिल्पा हर बार उसे अवॉइड करती रही। सुजीत पूरी तरह अंदर से टूट चुका था। और एक दिन उसने सुबह से खुद को रूम में बंद कर लिया। सुजीत सुजीत बेटा दरवाजा खोलो। सुजीत सुजीत बेटा। मैंने बहुत आवाज लगाई, दरवाजा खटखटाया,
लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई, तो मैंने तुरंत उसके दोस्त विक्रम को फोन लगाया। हेलो विक्रम, तू जल्दी आ जा, सुजीत दरवाजा नहीं खोल रहा है। दरवाजा नहीं खोल रहा है, तू जल्दी से आ जा। अंकल आप फिक्र मत करिए, मैं अभी आया। ठीक है, सुजीत 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 बेटा, सुजीत दरवाजा खोलो, सुजीत सुजीत बेटा, सुजीत सुजीत दरवाजा खोलना। पर अफसोस विक्रम आए, सुजीत को समझाया तब तक बहुत देर हो चुकी थी और शिल्पा के प्यार के चक्कर में मेरा बेटा इस दुनिया से चला गया। दोनों के बीच में क्या हुआ था ये तो सिर्फ शिल्पा ही बता सकती है। अंकल शिल्पा भी इस दुनिया में नहीं रही, उसकी डेथ हो चुकी। अंकल ये सुजीत के साथ विक्रम है ना? हाँ, विक्रम जैसा दोस्त नसीब वालों को मिलता है और दोनों साथ में कैटरिंग का नया बिजनेस भी शुरू करने वाले थे। अच्छा भाई देख, मैंने ये मेन्यू की लिस्ट ना डन कर दिया है। कंपनी के लोगों के बारे में तो कुछ सोचना, बहुत इंटरेस्टिंग सा, यू नो समथिंग कैची। ओए भाई बस करना यार, थोड़ा काम पे कॉन्सेंट्रेट कर ले। सॉरी यार, वो मैसेज के रिप्लाई कर रहा था। तो उससे क्या मिल जाएगा? पहले तू मैसेज का रिप्लाई करेगा, फिर उधर से वो रिप्लाई करेगी, तू वापस से रिप्लाई करेगा और उसका फिर रिप्लाई आएगा। भाई ये सब काम में कुछ नहीं रखा है यार, दिन भर जब देखो तब टाइपिंग टाइपिंग टाइपिंग। यार तू इतना सीरियस क्यों रहा है? और वैसे भी ना आजकल जितना बिजनेस होता है वो सोशल मीडिया के ही भरोसे चलता है। अच्छा समझा, तो क्या हम बिजनेस पे कॉन्सेंट्रेट कर लें? ठीक है आइए, ये देखो बाबा। अच्छा देख भाई, फटाफट तू रेडी हो जा और अपने को क्लाइंट से मीटिंग के लिए जाना है। कितने बजे? 9 बजे। यार विक्रम सुनना। बोल बोल बोल। मेरा मतलब अगर हम कल पे रख ले तो? तू पागल है भाई, हमें काम चाहिए और हम मीटिंग पोस्टपोन नहीं कर सकते। क्या बात कर रहे हैं यार, ये काम भी तो जरूरी है। वो वैसे भी शिल्पा मुझसे 3 महीने से बात कर रही है, अब जाकर वो मानने वाली है। अच्छा तो इसके लिए काम नहीं करेगा फिर? पूरी बात तो सुन भाई। तो बोलने सुन रहा भाई। दरअसल हम दोनों शादी करने वाले हैं और वैसे तू जानता ही है कि शादी के बाद कितना काम करना पड़ता है, वरना फैमिली नहीं संभलती। तो उसके बाद नो फोन कॉल्स नो मैसेजेस, पक्का। वाह यार सच में ये बात तो बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई तेरा भाई इधर है, टेंशन मत ले, मैं क्लाइंट को अभी पटा के आता हूँ। ठीक है भाई? ऑलराइट, क्या इमोशनल मत कर, मैं निकलता हूँ। ठीक है। आखिर ऐसी क्या वजह थी कि शिल्पा सुजीत को अवॉइड कर रही थी? पहले सुजीत फिर शिल्पा, इन दोनों के मौत के बीच कोई कनेक्शन तो नहीं? शिल्पा से कौन बात कर सकता है? हेलो। हाँ संजय यार, एक इंपॉर्टेंट काम था, तो कल शाम को ऑफिस के बाद मिल सकता है क्या? ओके बाय।
दो साल बाद सुजीत की आईडी से शिल्पा से कौन बात कर सकता है? काफी स्ट्रेंज है। अच्छा सुन, तेरा एक दोस्त उसे साइबर क्राइम वाले को जानता है ना, तो किसी तरह उसे कह के ये पता लगा सकता है कि सुजीत की आईडी से शिल्पा से कौन बात कर रहा है। वो पूछेंगे फिर शिल्पा के मरने के बाद तू उसकी आईडी क्यों यूज कर रहा है, ये भी तो हैकिंग है। अरे यार, मैं सिर्फ सच्चाई जानने की कोशिश कर रहा हूँ। और वो ठीक है, ट्राई करता हूँ, लेकिन थोड़ा टाइम लग जाएगा। नो प्रॉब्लम, तू बस टाइम। ठीक है, चल चल। ये रोनी सूरत क्यों बना रहा? मेरा फोन रिक्शे में छूट गया। बस इतनी सी बात, मेरी राखी के पैसे से नया है, नेक्स्ट ईयर रिटर्न कर देना, ठीक है? सच में दीदी? दीदी यू आर द बेस्ट, अब मैं कभी तुझसे झगड़ा नहीं करूंगा, प्रॉमिस। दीदी मैं तेरे कातिल को छोड़ूंगा नहीं, उसे सबक सिखा के रहूंगा। राहुल, मैं तेरी फीलिंग समझता हूँ, पर मैं शिल्पा को कभी हर्ट नहीं कर सकता। हर्ट नहीं कर सकता, पर हाथ उठा सकता है। हाँ राहुल, देख मेरी बात सुन, राहुल राहुल मेरी बात तो सुन यार, राहुल तुझे हर्ट नहीं करना चाहता था ना? तू समझता क्यों नहीं यार, प्यार करता था मैं उससे। अरे संजय कैसे है भाई? कैसे हो भाई? कुछ नहीं यार, बॉयफ्रेंड को गुस्सा आए तो वो सस्पेक्ट बन जाता है, भाई को गुस्सा आए तो वो जस्टिफाई। तू जानता है ना लोगों का मेंटेलिटी? जानता हूँ, इसलिए कह रहा हूँ। क्यों इतना इन्वॉल्व हो रहा है इस केस में? भाई ये तेरा काम नहीं है, उसके घर वालों को करना चाहिए, और वो तेरे पीछे पड़ गए हैं। Try to move on, अपने करियर पे कंसंट्रेट कर। कोशिश करता हूँ यार करने की, पर दिमाग से निकलती नहीं वो, क्या करूं? चल मैं चलता हूँ, ध्यान रख अपना। हाँ चल, ओके मिलता हूँ। राहुल, रुपेश को तुमने मारा? नहीं तो, मैंने कुछ नहीं किया। दीदी मैंने तुझे दिया हुआ प्रॉमिस पूरा कर दिया, तेरे कातिल को सबक सिखा के आया हूं। कैसे हो? अरे संजय, अच्छा वो कुछ पता चला क्या, सुजीत की आईडी कौन यूज कर रहा है? नहीं यार, बट आईपी एड्रेस पुणे का है, और जिस दिन शिल्पा की डेथ हुई उस दिन फोन का लोकेशन मुंबई बता रहा है। मुंबई? चल मैं निकलता हूँ, और तू जरा रेस्ट कर, ठीक है? चल ठीक है। ठीक है, कौन हो सकता है? एक मिनट, आप पहले मेरी बात सुन लीजिए, आपका गुस्सा जायज है।
पर मैं आपको जो दिखाने आया हूं आप एक बार वो देख लीजिए। विश्वास हो गया होगा, सुजीत के फोन से विक्रम बात कर रहा था। अंकल ये रेगी मैं आपके लिए क्या लेके आया? क्या लाए हो बेटे? गर्मा गर्म समोसे। अरे नहीं बेटा, मैं नहीं खा सकता, डॉक्टर ने मुझे मना किया है ऑयली खाने के लिए। आप पहले देखो तो सही। नहीं 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 बेटा, डॉक्टर ने मुझे मना किया है सही में। क्यों, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया क्या? अरे इतना ज्यादा नहीं बढ़ा, सिर्फ थोड़ा सा। क्या अंकल, आप ना अपना ठीक से ख्याल भी नहीं रखते। अच्छा अब आप एक चीज बताओ कि आप डॉक्टर के पास अकेले गए थे, एक बार बताना तो चाहिए था ना मुझे। ठीक है मैं समझ गया, एक्चुअली मैं आपका बेटा नहीं हूँ ना, इसीलिए आपने मुझे नहीं बताया। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। तो फिर कैसी बात? बेटा तूने ये नया फोन लिया? देखो ना अंकल, आज ही लिया मैंने, वो पुराना वाला जो था ना वो हैंग हो रहा था, तो मैंने सोचा नया ले लेता हूँ। कैसा है? अच्छा है। और इसमें देखो ये भी है। हाँ मैं देखता हूँ ना। चलिए अंकल, चलो चलो अंदर चलते हैं, बात करते हैं। अंकल अब सारी सच्चाई यही बता सकता है, बिकॉज एवरी सोसाइटी इज अ मर्डर। क्यों विक्रम, कौन हो तुम लोग? शिल्पा के मर्डर का रीजन भी यही बताएगा। सुजीत के सोशल मीडिया अकाउंट से शिल्पा से बात क्यों कर रहा था तू? कौन हो तुम लोग, ये क्या बकवास कर रहे हो? हमने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है, बस आपकी होगी, सच सच बता दो। देख विक्रम, हमें सारी सच्चाई पता है, तो खुद बताते तो सही है। बोलेगा? तुझे सिर्फ मेरा दोस्त नहीं था, वो मेरे भाई से बढ़ के था, वो शिल्पा से बहुत प्यार करता था। शिल्पा ने उसे खून के आंसू रोए। अरे वो उसके साथ अपना फ्यूचर प्लान कर रहा था। शिल्पा ने उसे डिच कर दिया, उसे अपनी जिंदगी से बाहर निकाल के फेंक दिया। सुजीत दिस इज हैरेसमेंट, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी। ओके ये अचानक से तुम्हें क्या हो गया है? मैं मुंबई में कोई जॉब कर लूंगा, फिर हम डेली हैंग आउट कर सकते हैं। तुम्हारे साथ ही जिंदगी बितानी, सिर्फ तुम्हारे साथ। प्लीज प्लीज मुझे इग्नोर मत करो। लेकिन मेरे दिल में तुम्हें लेकर कोई फीलिंग्स नहीं है। डिस्टेंस की वजह से तुम ऐसा कहती हो। शिल्पा मुझे थोड़ा सा टाइम दो ना, हमारा रिलेशन पहले जैसा हो जाएगा। देखो रिलेशनशिप कोई अचार नहीं है जो वक्त के साथ टेस्टी हो जाएगा, तो प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी, अदरवाइज मैं पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगी। जी एक जिंदा लाश बन के रह गया था,
और फिर वो हमेशा के लिए हमें अकेला छोड़ के चला गया। सुजीत, मुझे शिल्पा से नफरत हो गई थी लेकिन मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा था, और वो आराम से अपनी जिंदगी मजे में बिता रही थी। तो 2 साल बाद अचानक शिल्पा को मारने का क्यों सोचा? सोच तो मैंने बहुत पहले लिया था, लेकिन मुझे लगा कि 2 साल में सब कुछ सब लोग भूल जाएंगे और किसी को मेरे ऊपर शक नहीं होगा। और वैसे सुजीत का सोशल साइट पासवर्ड भी मुझे पता था। दो साल बाद मैंने शिल्पा को सुजीत की आईडी से मैसेज किया ये देखने के लिए कि क्या वो रिप्लाई करती है या नहीं, और फिर उसने रिप्लाई किया। हेलो, काफी दिन बाद बात करके अच्छा लगा। 2 years 16 days 2 साल 16 दिन ओ प्लीज तुम फिर से वो बात मत शुरू करो। अरे नहीं, मुझे समझ आ गया कि तुम गलत नहीं थी। जिंदगी में सबको आगे बढ़ना पड़ता है। अगर तुम्हें दिक्कत ना हो तो हम दोस्त बन के रह सकते हैं। कोई बात नहीं। शिल्पा को कभी शक नहीं हुआ कि वो सुजीत से नहीं किसी और से बात कर रही थी? हाँ हुआ था, और उसने एक बार मुझसे कहा था कि कभी कभी तो यकीन ही नहीं होता कि तुम वही सुजीत हो, पर बहुत खुशी हुई जानकर कि तुम बदल गए। हाँ, वक्त वक्त की बात है। मेरी बेटी जैसी भी थी लेकिन किसी का बुरा नहीं चाहती थी। तू ऐसा कैसे कर सकता है विक्रम? मैं बार बार सोचता था, लेकिन मैं जब भी सोचता था ना, मुझे सुजीत का चेहरा बार बार मेरी आंखों के सामने नजर आता था। उसे हरा नहीं गया अंकल, और मैंने तब भी डिसाइड कर लिया। चलो मिलते हैं, और बताना तुम जब भी मुंबई में हो। फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? मैं कब से कॉल कर रही हूँ? तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? मैं कब से कॉल कर रही हूँ? नेटवर्क वीक है यहाँ। आज 6 बजे मुलुन मिलते हैं, कल वापस पुणे जा रहा हूँ। ओके, डन, सी यू। मैंने मिलने से पहले उससे कोई बात नहीं की ताकि उसको मुझ पे कोई शक ना हो, और फिर वो मिलने के लिए आ गई।
ब्यूटीफुल। वेलकम माय फ्रेंड। तुम कौन हो? और सुजीत? मैं सुजीत का फ्रेंड हूँ। और सुजीत अभी इस दुनिया में नहीं है। क्या? हाँ। कब हुआ ये और कैसे? नहीं, नादान मत बनो। तो तुम्हारी वजह से ना सुजीत ने अपनी जिंदगी खत्म कर ली है। क्या? उसे मार के तू यहाँ पे फ्रेंडशिप खेल रही है? फॉर रबिश, क्या बकवास कर रहे हो तुम? बकवास तू कर रही है। तुझे पता है इस बकवास का अंजाम तुझे भुगतना पड़ेगा। किसी की औलाद छिन जाए तो इस पे क्या बीतती है तुझे क्या पता? तूने किसी का खून कर दिया? ये कैसी दोस्ती निभाई विक्रम? ये कैसी दोस्ती निभाई? सब इंसान हैं, हमारा जज्बाती होना स्वाभाविक है, लेकिन जरा सोचिए जज्बात में लिया गया फैसला अगर दूसरों को नुकसान पहुंचाने लगे फिर तो इंसानियत का अंत ही हो जाएगा, है ना? अब देखिए ना किस तरह शिल्पा के इस मर्डर ने सुजीत के घर वालों को झंझोड़ कर रख दिया। बेचारे अपना बेटा तो पहले ही खो चुके थे और अब उसके सच्चे दोस्त को भी खो दिया जो उनके बेटे जैसा ही था। इस केस से हमें एक सबक मिलता है कि जज्बात में लिया गया फैसला अक्सर गलत होता है, चाहे वो सुसाइड हो या मर्डर। मेरे बाबूजी कहा करते थे कि बेटा जज्बात में फैसला लेने से पहले 1 से 10 तक की गिनती कर लो, कहीं कोई चूक ना हो जाए। जाऊंगा ना, एपिसोड खत्म हो गया, फिर आऊंगा नई कहानी लेकर। लव यू बट यू नो दैट राइट।